Hello guys, good afternoon. This is Rajiv Singla here. आजकल इंडियन मीडिया में एक बहुत ज़्यादा रूमर स्प्रेड हो रहा है एंड दैट इज़ लाइक कि भैया चाइना में तो नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग डेली मर रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं. ठीक है, तो लेट मी टेल यू गाइस, मैं फ़िलहाल चेंगडू में हूँ. ठीक है, पिछले 2-2.5 महीने से यहीं पर हम लोग काम कर रहे हैं. यू कैन सी पीपल हेयर, द चाइनीज़ पीपल हेयर, यू कैन सी माई फैमिली, एवरीबडी इज़ नॉर्मल हेयर. ठीक है, एक बॉल, ये देखो मेरा बेटा आपको वहाँ पे खेलता हुआ मिल जाएगा. एंड यू कैन सी गाइस एंड पीपल अराउंड हेयर, दे आर टोटली एंजॉइंग, दे आर टोटली नॉर्मल, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, एक नॉर्मल इन्फेक्शन जरूर स्प्रेड हुआ है. ठीक है, बट दैट इज़ लाइक अ वेरी माइल्ड इन्फेक्शन. 10 दिन में हर कोई नॉर्मल होम ट्रीटमेंट से मोस्टली लोग ठीक हो रहे हैं. तो प्लीज़ जो इंडियन मीडिया में एक फॉल्स रूमर्स फैल रहे हैं उनसे बचिए. और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जो है ना, मतलब सब लोग मर रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है. मतलब एक ऐसी कंट्री जो 10 दिन में 60 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर सकती है हॉस्पिटल के तौर पे, क्या आपको सीरियसली लग रहा है कि वहाँ पे हॉस्पिटल और दवाइयों की कमी हो सकती है, जहाँ से ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स वगैरह इंडिया में इम्पोर्ट हुए थे भर भर के. सो प्लीज़ अपने आप को इन सब रूमर से बचाइए. सत श्री अकाल.